तो अपने पास बेजल ये रहे, ऊपर अपने फॉग लैंप्स हैं और वो भी महिंद्रा जान में, ये नहीं जो बेजल कुछ और है या कुछ वायरिंग कुछ और ना, लॉकिंग वाली जो पीस होता है। ठीक है, ये लास्ट लुक है, इसके बाद हम आपको ZTL वाली दिखाएंगे। एक ग्लॉसी वाला होगा पूरा प्ले, ये मैट में ग्लॉसी हो जाएगा। मेरा कपलर जो ओरिजिनल है और ये अपना सॉकेट अभी देख सकते हैं बंद है, अब जल गई। ये पार्किंग ऑन हो गया, उसके साथ आपका ये ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसको ऑन करना तो ऑन ऑफ ये आपको दिख रहा होगा। पूरी लॉकिंग वाला पीस है जो हमने दिखाया था स्टार्टिंग। ठीक है, इसमें ये प्लेट है, हमने बिफोर लुक दिखा दिया था अभी, तो ये इजीली आपको हर कोई करके नहीं देगा। स्पार्कल वाला, स्पार्कल वाला थोड़ा कॉस्टली होता है, तो ये कुछ कैमरा रहने वाला, ये क्वालिटी है, इसको देख सकते हैं। सेम महिंद्रा जेन्युइन बटन्स है और इस साइड का भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो पार्किंग, पार्किंग जय ऑटो करोल बाग आए हैं पार्किंग में। ठीक है, अपने पास आज आ रखी है स्कॉर्पियो एन और उसके पीछे भी एन जेड फोर है। ठीक है, ये Z6, ये Z4 और बाकी XUV तो लगी हुई है, भी लगा हुआ है। बाकी इसमें काम की बात करें तो मेन अपना महिंद्रा की जेन्युइन फॉग लाइट डलने वाला है विद बेजल, कंप्लीट ओरिजिनल वायरिंग के साथ, कपल टू कपल। ठीक है, Z6 वेरिएंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें नहीं आती, ओरिजिनल फॉग लाइट से आपको जो ओरिजिनल फीचर था उसको चालू करके दूंगा। ठीक है, दोनों भी में LED इंस्टॉलमेंट होगा। स्टॉक हैलोजन आता है इसके अंदर, अभी आपको दिख रहा होगा हैलोजन बल्ब, तो ये रिप्लेस करके LED सेटअप कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कवर उतरेगा पहले, फॉग लाइट के लिए ये कवर उतरेगा। ठीक है, ये अपना ग्लॉसी वाला बेजल डलेगा फिर फॉग लाइट डलेगा। ठीक है, तो अपने पास बेजल ये रहे और ऊपर ऊपर अपने फॉग लैंप्स हैं और वो भी महिंद्रा जान में, ये नहीं जो बेजल कुछ और है या कुछ वायरिंग कुछ और है, जो भी डलेगा महिंद्रा कार डलेगा। ठीक है, फॉग लाइट दोनों में LED होगी, अपना टॉप मॉडल की क्रोम वाले ग्रिल डलने हैं जो महिंद्रा ओरिजिनल जो पीस, अपना लॉकिंग वाली जो पीस होता है। ठीक है, ये लास्ट लुक है, इसके बाद हम आपको ZTL वाली दिखाएंगे ग्रिल। और बाकी इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें इसमें लगना अपना विंडो गार्निश। ठीक है, रिप्लेसमेंट पार्ट वाली पूरा कंप्लीट, ये पूरा सी तक, ये दोनों अपना रिप्लेसमेंट है, ये आपकी पेस्टिंग है। ये लास्ट वाले को अगर किसी को पूरे रिप्लेस कराना है तो क्वार्टर ग्लास है, पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था पूरी क्वार्टर ग्लास चेंज। ठीक है, आपके चैनल पे मिल जाएगा देखने को आपको, और चाहिए दोनों ऑप्शन है डोर वाइजर क्रोम लाइनिंग। तो अभी आफ्टर मार्केट लगेगा डोर वाइजर या जेन्युइन क्रोम अपना जो डलेगा डोर वाइजर गैल्यू का डलेगा। ठीक है, जिसमें स्कॉर्पियो एन में रेड आता है, हाँ वही डलना है। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है क्योंकि स्कॉर्पियो एन की बैजिंग देख सकते हैं रेड में आती है। किसी भाई को रिफ्लेक्टर चाहिए मिल जाएगा, टेल लाइट सिक्वेंसल चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये भैया लगवा के आए थे पीछे की, नहीं ये Z6 में आता है। अच्छा, Z6 में अब आने लग गए, पहले नहीं आता, मैं दिखा दूंगा Z4 भी है। ठीक है, और इंटीरियर की बात करें इसमें देखो अपने लगना है ग्लॉसी वाला पार्ट। ठीक है, ये ग्लॉसी वाला होगा, पूरा प्लेट चेंज होगी, आपके पास ऑप्शन है, ये बटन्स भी चेंज करवा सकते हो। ये पूरी के पूरी रिप्लेसमेंट पीस हो रहा है, इनर हैंडल चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे अपना ओरिजिनल अपना महिंद्रा की इसका प्लेट डलने वाला है, जो चेंजेस फेस है वो भी मिल जाएगा। स्टीयरिंग रैपिंग हो रहा है आपका, स्टीयरिंग बिल्कुल OEM फिनिश में रैप हो रहा है। बाकी अंदर से जो सेंटर वाला कंसोल है वो वाला ग्लॉसी ब्लैक वो भी मिल जाएगा आपको, वो अभी हो रहा है इसमें लगना है बोले। एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ, तो ये कंडीशन है, ये मैट में आता है, ये बिल्कुल ग्लॉसी हो जाएगा। और वायरलेस चार्जर है अभी, बिल्कुल है, जितना मर्जी ले लो। ठीक है, वो भी लग जाएगा, अगर दोनों पीछे आप ग्लॉसी करवाना है वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें जो आता है वो मैट आता है, अगर ग्लॉसी वाले बटन्स चाहिए आपको वो भी मिल जाएंगे। तो एक बार स्विच होते हैं Z स्कॉर्पियो एन के लेके जो मर्जी चाहिए सारे मिल जाएगा, मतलब सारा अवेलेबल है पार्ट्स। तो अब चलते हैं Z4 में। Z4 की बात करें इसमें फॉग लाइट लग चुका है। ठीक है, ये रहा, लग गया। ठीक है, तो इसके होल को कवर करने के लिए अपने पास कुछ ऑप्शन है, वो लगा के वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके जो फ्रंट सेंसर आते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, तो इसमें स्पेस दिया होता है, इसमें वर्किंग तो नहीं करेंगे सेंसर, सेंसर वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, वर्किंग में ओरिजिनल सेंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपको वर्किंग करके दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें फ्रंट ग्रिल चेंज हो रही है, निकलना है इसमें, देखो ये पार्ट निकल भी चुका है। ठीक है, ये निकल गया, अभी इसमें क्रोम वाला लगेगा ओरिजिनल। ठीक है, मतलब ग्रिल तो ऑलमोस्ट सारी चेंज कर रहे हैं, इसमें भी अपना LED इंस्टॉलमेंट होने वाला है दोनों में। ठीक है, अभी पार्किंग बल्ब देख सकते हैं येलो है, और एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, तो देखो आप फॉग लाइट। तो ये रहा, हमने सॉकेट इसका निकाल दिया, ये पूरी वायरिंग अपने फॉग लैंप और DRL की वायरिंग बनाया होता है। ठीक है, और ये कंपनी के फॉग लाइट है, और कंपनी के फॉग लाइट में देखो जो ओरिजिनल जो होता है कपलर, ये रहा कपलर जो ओरिजिनल है, और ये अपना सॉकेट, और ये सॉकेट, ये देखो आप अभी देख सकते हैं बंद है, अब जल गई, जल गया बिल्कुल, प्लग एंड प्ले। ठीक है, तो ये होता है कपलर टू कपलर, कोई वायरिंग हार्नेस कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपना क्रोम वाली
पूरी ग्रिल है चेंज ठीक है। कुछ अपना स्टॉक में अपना मैट आता है, मैट ग्लो अपना ये सैटन सिल्वर, सैटन सिल्वर आता है ये आता है। अभी हम ग्लॉस वाला लगा रहे हैं, बिल्कुल इसको सेम ग्रिल के अंदर ही हम निकाल सकते हैं। लॉक वाला पार्ट होता है जो अपना रिमूव होकर नया डल जाता है। मैं आपको छोटे वाला पीस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये भी क्रोम में आ जाएगा, ये भी महिंद्रा ओरिजिनल होता है, बट Z6 Z4 में सिल्वर आता है, ठीक है। तो अभी इसको होने देते हैं और एक बार कंप्लीट लुक लास्ट में दिखाते हैं, अंदर से कंडीशन दिखा देते हैं एक बार लास्ट। लास्ट कंडीशन की बात करें तो अपना अभी तो इसमें तो अपना ये वाला भी नहीं आता सिल्वर, एक और बात सकते Z4 में अपना सिर्फ ये आता है, ग्रैब हैंडल आता है, दोनों पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और Z4 में बिल्कुल अपना मैट ब्लैक आता है, तो तीनों पार्ट आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो मैटिंग अपनी हो गई है इसमें 70 मैटिंग, ठीक है। तो अंदर से कुछ ये कंडीशन है, अभी इसमें कैमरा डलने वाला, दोनों में कैमरा डलने वाला, वो भी अपना प्रॉपर ब्लोपंग की और ओरिजिनल एडप्टर के साथ। तो अभी पीछे ड्रिल कर दिए, इसका पार्ट भी चेंज होना अपना, ठीक है, जो अपना ये लोअर गार्निश है रिप्लेसमेंट पार्ट वाले। तो लास्ट में लुक देख लो, अभी आपको अपना ये ब्लैक मिलेगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक अभी चेंज होगा ये। फिर लास्ट एक लास्ट लुक दिखाते हैं जब कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन का काम कंप्लीट हो गया, स्कॉर्पियो एन का मेला चार में से दो ही मैंने दिखाया, ठीक है। तो जल्दीबाजी में थोड़ा बाकी है, मतलब काम होगा चलेगा। Z4 दिखाई थी हमने ब्लैक वाली, जिसमें ऑलमोस्ट सारा काम हो रहा था, तो इसमें फॉग लैम्प उस वक्त लग रही थी, और जो DRL है चाबी से चालू है, जो अपना लेजर प्रोजेक्टर है अपना ओरिजिनल स्विच से चालू, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और प्रॉपर इसकी जो जेन्युइन वायरिंग डला है महिंद्रा की, जो इसकी कोई वायरिंग कटिंग नहीं। और एक चीज बोल रहे दिलीप भाई, बेजल इसका, ये किसका बैजल, वो भी महिंद्रा बैजल चेंज होता है इसके, वो तो फॉग लाइट लगने के लिए पूरी बैजल चेंज होता ही होता है, बिना बैजल का फॉग लाइट नहीं, बिना ये पार्किंग के साथ चलता है ये, मैं आपको दिखाता हूं। ये पार्किंग ऑन हो गया, उसके साथ आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच से वर्किंग दिखाते हैं इसे ऑन करने का, ये देख सकते हैं इसको ऑन करना है तो ऑन ऑफ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फुल कंट्रोल हो रहा है। तो अगर आपको इससे सस्ते में कोई लगा के दे फॉग लैम्प, वो वायरिंग यहाँ से नहीं होगी भैया। बच्चों एक फोन कर तो किसी पे फॉग लाइट के लिए बोलता है 13,000 12,000, सिर्फ फॉग लाइट के रेट पे मत जाओ, ठीक है। उसकी जो पूरी जो परसेंटेज होता है ना, वायरिंग किट, बैजल और उसकी पूरी फॉग लाइट, तीनों एक बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं दिलीप भाई, अगर आपको फॉग लैम्प का सिर्फ रेट जान रहे हो तो वो 13,000 बोल के बाकी एक एक चीज बढ़ाते रहेंगे उसमें, बैजल फोन किया भैया 12,000, हाँ भैया उनका रेट सही है, चलो अब आने जाने के बाद बैजल 1500 अलग, वायरिंग 3,000 अलग, ठीक है, 4,500 आपका अलग पार्ट में जुड़ जाएगा। तो उस चीज से बचो, जो मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट रेट बताऊंगा, तो आप आते हो मेरे दुकान पे, मेरे से भी रेट लो, मैं क्या रेट दे रहा हूँ, सामने वाला रेट, आप सिर्फ फॉग लाइट के रेट में मत जाओ, ठीक है, आप ट्राई करो कॉम्बो पे जाओ। हाँ, तो फ्रंट से हमने फॉग लैम्प की पूरी वर्किंग दिखा दी, इसी के साथ ग्रिल चेंज है, महिंद्रा जैनल ग्रिल है, पूरी लॉकिंग वाला पीस है जो हमने दिखाया था स्टार्टिंग, महिंद्रा ग्रिल है। बाकी इसकी दोनों बिम की बात करें तो इसमें LED इंस्टॉलमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको चेक करा, ठीक है। पार्किंग से ही पता लग रहा है इसका बल्ब चेंज है, तो पार्किंग बल्ब भी चेंज करा, उसके बाद दोनों में हमने LED सेटअप करा है। तो एक बार फ्रंट से दिखाते हैं LED सेटअप, एक बार बंद करना पूरी, ये बंद है, अब करो। तो हैलोजन से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, काफ़ी मतलब 3 गुना कह सकते हैं, 3 times हाइयर है, ठीक है। फ्रंट पे अगर आपको Z8L वाली लगानी है वो भी एक ऑप्शन है, किसी भाई को अगर टॉप मॉडल की हेडलाइट चाहिए, हेडलाइट मिल जाएगा 17 इंच 18 इंच, आपको महिंद्रा का ओरिजिनल डब्बा पैक आपको अलग मिल जाएगा 17 और 18 दोनों बिल्कुल मिल जाएगा, और आपको चला हुआ 2-4 दिन चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, यूज्ड जैसे न्यू गाड़ी में अगर कोई आफ्टर मार्केट लगवाता है तो पुराना उतरवा देता है, आपका 10-15,000 रुपये आपका कम हो जाएगा, लेस हो जाता है। अपने पास डब्बा पैक भी है, अपने पास तो ज़्यादातर डब्बा ही पैक ही लगते हैं, ठीक है। हमारे पास मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि आप बॉक्स पैक बॉक्स ही इंस्टॉल करवाएं, जल्दी भैया, ठीक है। साइड में चाहिए, साइड में मिल जाएगा फोल्डिंग, आपको फोल्डिंग ऑप्शन अगर करवाना है तो आपके पास ऑप्शन है Z8L वाले साइड मिरर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। एक इसमें अपना डोर वाइजर लगा, दो मैनी, ठीक है, यही वाला मोस्टली सारी एन में हम यही वाला लगाते हैं, इसका जो है स्कॉर्पियो एन रेड में काफी अच्छा लगता है। एक इसमें जो लगा अपना महिंद्रा का ओरिजिनल लोअर गार्निश लगा, पूरी है रिमूव होके अपना पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट पीस नया लगता है, ठीक है। तो बिफोर लुक दिखाया था हमने, अब आपको इंस्टॉलेशन के बाद दिखा रहे हैं, और ये इंस्टॉलेशन दिखाई भी थी हमने मोस्टली पहले चामुंडा भैया वाली वीडियो में दिखाई थी,
जिसमें यहाँ पे नट से टाइट भी करना होता है इसको इंस्टॉल करने के बाद। एक आपके यहाँ पे पूरी क्वार्टर ग्लास वो मिल जाएगा आपको जिसमें लगा है दिलीप भाई को, अगर पूरी की पूरी अगर किस रिप्लेसमेंट चाहिए वो भी मिल जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो दिलीप भाई की देखी थी, क्वार्टर ग्लास चेंज करा था लेकिन उसकी परफेक्शन काफ़ी अच्छी थी जो क्रोम की थी, उसमें निकलने की दिक्कत नहीं आएगी। पूरी अपना टॉप मॉडल की पूरी पीस है, ठीक है, इसमें आ सकती है दिक्कत? आ सकता है महिंद्रा ओरिजिनल है बट इतनी जल्दी नहीं, ठीक है, बट देखो पेस्टिंग बाकी रस्टिंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं, रस्टिंग तो इसमें आना ही नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो बैक प्रोफाइल से, बैक प्रोफाइल की बात, कैमरा इंस्टॉल करा है इसमें, ठीक है, कैमरा भी इंस्टॉल करा हुआ इसके अंदर। बाकी ये वाला तो आता ही है नीचे, जो अपना गाड़ी अपना Z6 है, Z6 हो Z4 हो अपना खम्भे कैमरा आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, अपने पास सारा अपना स्टॉक है। Z6 में आपको एक रूम मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से, Z4 में नहीं आता, पर Z4 वाले भाई भी ये लगवा सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे की स्किड जो प्लेट है Z4 के अंदर नहीं आती, वो भी मिल जाएगी। आगे पीछे का जो अपना महिंद्रा जनमन आपको स्किड पे फ्लैट चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी भाई को रिफ्लेक्टर चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा ऑप्शन में। तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो इनर हैंडल नहीं लगा इसके अंदर अपने पास है, एसी इनर हैंडल भी है, मतलब टॉप मॉडल की सारी चीजें आपको, ठीक है, वायरलेस चार्जर चाहिए मिल जाएगा, मतलब जो भी आप ओरिजिनल पीस चाहिए आप, मतलब सारे पीसेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्विच चाहिए आपको, सारा स्विचेज मिल जाएगा। इसमें आपका डोर प्लेट है चेंज भी हुआ है, जो मैट वाले आते हैं इसमें अपना, ठीक है, इसमें ये प्लेट है, हमने बिफोर लुक दिखा दिया था, चेंज करने के बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे सॉफ्ट टच करवा सकते हो, करवा सकते हो, इस पर भी आप करवा सकते हो बट उसके लिए टाइम, और Z4 के अंदर आप ये सैश भी लगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, Z6 पे जो आता है। और बात करें यहाँ पे वेलकम लाइट महिंद्रा का अपना पूरी एक्सचेंज पीस लगा अपना इसका प्लेट, ठीक है, ये भी इंस्टॉल करा हमने, एक 70 मैट इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर हमने ब्लैक। एक ऑप्शन और है कि कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ हम मैच करके भी ब्राउन वाला शेड देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, फुल ब्लैक चाहिए अपना वाइट स्टिचिंग तो मिल ही रहा है, अगर आपको अंदर की जो इंटीरियर कलर थे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेदर लाइट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करवानी है वो भी करवा सकते हैं, मतलब बहुत ऑप्शन है अपने पास, सीट बर्थ मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सारा चीजें मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो इसके अंदर हमने वो पियानो ब्लैक करा हुआ है बीच का पार्ट देखो आप, ठीक है, आपको जो नहीं था, ठीक है, तो एक बार दिखाते हैं अंदर बैठ के। ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर वो मैट में होता है, तो अब हमने देख सकते हैं स्पार्कल वाला कलर है हाइड्रोडिप में भी, तो ये इजीली आपको हर कोई करके नहीं देगा स्पार्कल वाला, स्पार्कल वाला थोड़ा कॉस्टली होता है, तो दिलीप भाई अपने पास हमेशा स्पार्कल वाला ही मिलेगा। देखो अगर आपका ऑप्शन है, अगर आपको ग्लोसी चाहिए ग्लोसी मिल जाएगा, स्पार्कल कलर चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, दोनों ऑप्शन है। तो हमारी तरफ से तो रेकमेंड है आप स्पार्कल वाला ही लगवाएं क्योंकि ये अच्छा लगता है देखने में। एक इसमें कैमरा लगा, मैं आपको कैमरा भी चेक करा देता हूं, ठीक है, कैमरे की इसकी क्वालिटी दिखाते हैं एक बार आपको। तो ये कुछ कैमरा रहने वाला, ये क्वालिटी है, तो अभी बूट बंद हुआ है, तो ये नहीं कि कैमरा घूम रहा है, तो अभी बूट खुला हुआ था, भैया ने खोल रखा था सामान डालने के लिए, तो अब देख सकते हैं। तो इसके साथ गाइडलाइंस भी आती है अपनी रनिंग पे, ठीक है, अगर स्टीयरिंग मोड़ते तो आता है रनिंग आ रही पे, अगर स्टीयरिंग मोड़ेगा तो आपको गाइडलाइन घूमेगा आपका, ठीक है, ये गाइडलाइंस भी घूमेगी आपके। Z4 के Z6 के अंदर भी अब इंस्टॉल करने लग गए हम रिवर्स कैमरा, और Z4 के अंदर तो काफी टाइम पहले से ही कर रहे थे दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। दिलीप भाई मुझे ये वाला बटन बताओ, ये पियानो ब्लैक में है ना, लगवा लो अपने पास है, बिल्कुल स्टॉक है भैया, सारे पीस स्टॉक है अपने पास, स्कॉर्पियन की जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा। सो जैसा हम अभी बता रहे थे आपको, इसमें जो बटन आते हैं ये थोड़े से नॉर्मल मैट कलर में होते हैं, तो इसमें एक ग्लॉसी वाले भी आते हैं वैसे टॉप मॉडल के अंदर, तो ये वाले बटन इंस्टॉल करवा सकते हो आप, ये देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश में, इसको देख सकते हैं बटन को और इसको देख सकते हैं, सेम महिंद्रा जेन्युइन बटन्स हैं, बार कोड के साथ सब आता है ये, और इस साइड का भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, इस साइड का भी चेंज हो सकता है, अगर आप करवाना चाहो तो ये भी चेंज करवा सकते हो, दोनों सेम बटन्स हैं। और हमने पिछली एक वीडियो XUV में भी दिखाया था बटन्स का स्कैम जो चल रहा है, वो चामुंडा भैया ने दिखाया था कि फेक बटन्स भी आजकल आ चुके हैं इनके मार्केट में, उससे बचे आप। जो ये सिल्वर जो है ना, सैटन सिल्वर जो है, उसमें क्रोम था, ठीक है, उसमें क्रोम था, ये देख सकते हैं जो जेन्युइन महिंद्रा जेन्युइन होता है उसमें हमेशा सैटन सिल्वर के अंदर आता है, ये इसमें क्रोम आ गया, समझ लो लोकल है, क्रोम वाला लोकल है, ठीक है। तो और तो वायरलेस चार्जर भी इंस्टॉल हो सकता था इसके अंदर, वो चामुंडा भैया वाली वीडियो में देखा ही होगा आपने, बाकी यही था अपने पूरे गाड़ी में। तो
कस्टमर का एक बार रिव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो फाइनली अपनी Z6 का काम कंप्लीट हो गया है। भैया का पहले नाम जानते हैं, भैया की गाड़ी है? सुलभ सिंह नाम है मेरा, मेरठ से हूँ मैं। मेरठ से? हाँ जी। तो कैसे पता लगा था आपको जयवंत? मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, भैया के वीडियोस बहुत सारे देखे और उस पर रिव्यूज भी पड़े, तो मुझे पता चला कि भाई कोरल बाग में जो एक जेन्युइन जगह है वो यही है जहाँ पे हमारा काम आसानी से हो सकता है और सारी चीज़ें जेन्युइन है। ठीक है। तो मैं बिना कुछ पता करे सीधा भैया को फ़ोन करा और सीधा सुबह यहाँ आ गया। जो प्राइस रेंज आपको यहाँ पे मिला उससे आप सेटिस्फाइड? मैंने देखो कंपेयर नहीं करा, लेकिन मुझे रिव्यूज़ में ये पता चला कि जो भी भैया प्राइस लगाते हैं वो जेन्युइन अच्छे सबके लिए एक समान से ही होते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा पता नहीं करा कहीं भी। ठीक है। और जो भैया ने मेरे को प्राइस लगाया मेरे को ठीक लगा और मैंने। तो कितने घंटे में हो गया आपका काम? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन हो गया काम बढ़िया तरीके से, तो जैसे आप में हो जाता है। ठीक है। आपके पास जैसे Z6 है, इन्हीं बीच कितनी और गाड़ियां थी? भाई मेरे सामने तो 4 गाड़ियां आगे जा चुकी थी। जा चुकी थी मतलब मोस्टली एन आने लग गई अपने पास। ठीक है। तो रेटिंग की बात करूं 10 में से कितने देंगे आप? 10 out of 11। मतलब फुली सेटिस्फाइड है आप? फुली। भैया तो लेट हो गए हमारे टाइम के वजह से। ठीक है। चलो अच्छे काम हो रहा है होना चाहिए। तो भैया की गाड़ी में अभी काफ़ी चीज़ें रह रही है? हाँ रह रही हैं, समय के साथ मैं और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कराऊंगा। ठीक है। मतलब दोबारा विजिट करूँगा? दोबारा विजिट करूँगा डेफिनेटली। ठीक है। और फ्रेंड्स किसी को रेफर करोगे? 2 गाड़ियाँ और मेरे फ्रेंड्स ने बुक की हुई हैं, तो हमें और भी आगे भी आने। ओके थैंक यू। तो दिलीप भाई हमने दिखा दिया स्कॉर्पियो एन, नेक्स्ट वीडियो तक और भी नई चीज़ें दिखाओगे? कुछ ला रहे हो भैया? क्या नहीं है, सब कुछ है स्कॉर्पियो के लिए, बस आप आओ काम करो। ठीक है। मतलब अपने पास फुल शौक है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। गाड़ी का प्रेशर ज़्यादा था, संडे था, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्कॉर्पियो एन के साथ किसी न्यू Z6 के अंदर या Z4 के अंदर। देखो Z4 Z6 आ रहा पूरा तैयार होने के लिए। ठीक है। देखते हैं कौन सी आती है। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।